लगे हुए हैं, मंदिर एक ही है। और जब तक वो थाना पर हम गए प्रशासन को कहने के लिए, तो प्रशासन ने हमें कहता है जब फलना लिखा कर दो, ये नहीं है वो नहीं है। छोटा बाबू कटा रहे थे बैठ कर यहाँ, ये रुक नहीं रहा था, और महिला सब गाली भी हमें दे रहे थे, समझ लिए। तकर बाद हमने धान को नोटिस आनकर कोर्ट से भी ला कर दिए थे 146 धारा के अंतर्गत, समझ लिए। फिर भी थाना प्रशासन बड़ा बाबू को फोन किया तो बड़ा बाबू ने आदेश दिए तो वहाँ महिला पुलिस आए, तब वो सब भागा अपना धान जो लगा हुआ है, लगा हुआ 8 बजे रात में भी धान धोने का। आपको गाली भी दिया? हाँ, गाली भी दिया। इसका पत्नी जितने औरत था गाली भी दिए हमें। तो आप दिखाइए कहाँ है, ये धान है, ये धान लगा हुआ कटा हुआ है, देखिए। ये सारा जो है मंदिर का ही है। मंदिर का ही जमीन है, ये स्कूल भी दिखते हैं, स्कूल है ना, स्कूल बन रहा था, मंदिर इस खेत में नहीं बनने दिया ना, वहाँ धर्मशाला बनने दिया, समझ लिए। और ये देखिए कल कटवाया, और गाली भी हमें सुनाया पूरा धान के, देख लीजिए वहाँ ये जितने धान लगे हुए हैं स्कूल को लेकर, वो बाबा मंदिर के ही जमीन है। 1 बीघा 12 कट्ठा 14 धूर जमीन पड़ते हैं। ये चाहो तो गाछ वृक्ष जो है, जो कटा है वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। ऐसे मिला के गाछ वृक्ष जितने हैं वो धर्मशाला और ये टोटल ही है। बाबे मंदिर शिवोत्तर और ब्रह्मोत्तर के नाम से है ये। दोस्तों आप इसको शेयर कीजिएगा, ये शिवोत्तर और ब्रह्मोत्तर के नाम से है। इतना मतलब काट के ले गया जी रात में, जी दिन में, कल दिन में कटा और रात में ढोकर ले गया। आप विरोध किए तो आपको साथ गाली गलौज, गाली गलौज दिए। वहाँ के माँ बहनों सब जो काट रही थी वो गाली हमें भी दिया कि मैं अपने लिए नहीं, पूरे समाज की संपत्ति है और पूरे समाज हमारे साथ है, फिर भी हमें इस ढंग से क्यों किया जाता है, हमें धमकाया जाता है, गाली देता है, क्यों देता है हमें। ये जितने धान है सब शिवोत्तर के नाम से है, ब्रह्मोत्तर के नाम से है, शिव बाबा के दान में दिया गया है। ये जाली फर्श कागज बनाकर उदयगिरी अपने अमीन है और हर चीज करते हैं, ठीक है। और समाज में वही है, मुझे समाज देता है चंदा लड़ने के लिए और समाज पूरे फेवर करते हैं और हमसे बवाल करते हैं गरीब को अथी जानकर, ठीक है। ये स्कूल को देखिए, ये स्कूल वही स्कूल मैंने रुकवाया था, वही स्कूल बनवा रहा था, वो 60,000 रुपया लेकर मास्टर से लीज पर सालाना, वही स्कूल है, ये देख लीजिए पूरे। और यही रही बाबा की मंदिर, बाबा पंचानाथ की मंदिर वही रही। और आइए दिखा, बड़ा बड़ा गया। और बाबा को जब तोड़वाया था 2001-2 में इसको मंदिर से निकासित कर दिया गया था बाबा पंचानाथ से, तो फिर वो कैसे आया है, फिर कैसे आ गया इधर, उसको यहाँ के कुछ सत्य समाज ने मिलकर उसे वहाँ से उसको फिर से अभी किया। और देखिए ना बाबा के तोड़ा हुआ प्रतिमा के ही है, आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें मशीन रखता था, कंप्यूटर सब रखता था, तो मैंने थाना पर जाकर कहा तो उस दिन लेकर भाग गया उदयगिरी सब परिवार मिलकर। भैया देखिए ये है महादेव बाबा की मूर्ति, ये लोखा महादेव बाबा, लोखा भैया ये पंचानाथ बाबा के मंदिर, यही है बाबा का मंदिर, ये बाबा पंचानाथ मंदिर बनाया हुआ मूर्ति है, उसका ओरिजिनल मूर्ति, ओरिजिनल मूर्ति है। आइए मैं दिखाता हूँ ओरिजिनल मूर्ति, उसको कटवा लिया गया भैया। ये गाड़ी नंबर इतना था वो मैं भी साबुत दिखाऊंगा समाज के आगे, ये रही पहले का मूर्ति दिखाता है, वही मूर्ति है बाबा का, टूटा हुआ मूर्ति यही है बाबा का पहलू का लिंग, देख लीजिए पहले वाला लिंग वही है पूरे मूर्ति, बजरंग बली के मंदिर में रखा हुआ, देख लीजिए। और उसी का छाया लेकर ये बाबा का प्रतिमा बनाया गया। बाबा का साथ दुर्व्यवहार होता है वहाँ, आपका ओरिजिनल जो पहले जो था, हाँ जी ओरिजिनल बाबा, ये स्टेशन पर तोड़ कर बिगा गया था, इसको बेचकर दूसरा बाबा था कि दूसरा तीसरा फेंक दिया, ओरिजिनल बाबा कहता वही है, तो ही बाबा का नकल का ही है बाबा बनवा कर रहा था, वो पत्थर नहीं मिलेगा, जो पत्थर ये है वो पत्थर नहीं मिलेगा। वो तो कहाँ से आया था ये राजस्थान से बना कर लाया था, अभी से जयपुर से, जी ठीक है। सब बैठे हुए थे लगा हुआ था, उस दिन भी मेरा कमरा किया गया, सब माँ परिवार सब बहुत था, झंझट करने की बात की, लेकिन पूरे समाज जोगिंदर प्रसाद 32 वर्ष के हमारे मुखिया जी थे वो भी थे, अमित पाल और बहुत ही लौखा समाज के कितने गण्यमान व्यक्ति भी थे वहाँ, लेकिन सबके सामने ये बात हुई। और उसी दिन से बाद पुलिस क्या कर रही है इस पे, उस पर पुलिस को माल साल दे दिया गया था, इसीलिए अपना पैसा खा के अपना काम वो अपना इधर निकालने में कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वहाँ पुलिस का फोटो भी लिया कल उदयगिरी का बेटा धान लोड करते हुए, ठीक है, काट कर धान लोड किया, तकर बार गया।
शासन के साथ तभी गाली गलौज भी हमें दिया। ये रही धर्मशाला बना रहा था, वो कहता है मेरी जमीन है, तो उसकी जमीन है उदयगिरी का, तो गुरी जमा करे कोर्ट में कागजात सबूत, इसका जो मैं सबूत से लड़ रहा हूँ ना, यदि मैं गलत हूँ तो समाज मुझे परिश्रम देगा ना, उदयगिरी गलत है तो उदयगिरी को अपना परिश्रम देंगे। ठीक, मेरा नाम नसीब लाल दास नेताजी है, वार्ड नंबर 9 में मेरा घर पड़ता है, और मैं पूर्व वार्ड सदस्य भी थे और लोजपा का प्रखंड अध्यक्ष भी थे। ये जमीन, ये सब सारा जमीन ये बाबा मंदिर के ही है, जितने धान लगे हुए हैं ना सब बाबा की कैंपस के ही है, ये पूरे बाबे की कैंपस की है, ये जमीन सब जितने हैं सब बाबे की कैंपस की है, और जितनी समाज की जरूरत पड़ेगा ना मैं उस दिन उतने समाज को दे दूंगा, बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के, जो कभी वो देखा नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारे नेताजी यहाँ के नसीब लाल दास जी है, इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके साथ क्या पूरा समाज के साथ अन्याय हो रहा है, एक मिलकर आवाज़ उठा रहा है, सारे दबा रहा है। मैं एक्चुअली बाबा मंदिर के दिल बाबा की कृपा से मैं इतना हूँ, और मेरे पास कोई चीज़ रहने के भी घर नहीं है, फिर भी यहाँ के बड़े बड़े आदमी दमंग चाहते हैं उसको मैं दबा कर समझे, और मैं अकेले आवाज़ उठाने के लिए सब कुछ तैयार हो गया था, जब का 144 धारा के अंतर्गत आपके साथ तो बहुत जनता भी होगा। हाँ बहुत जनता, जितने खोजेंगे पूरे समाज है हमारे साथ। ठीक है, ये जितने समाज के चाहेंगे उतने समाज को बोलिए, मुखिया सरपंच की लिखित भी है हमारे साथ, मोहर मार के दिए हुए हैं, दिए हुए हैं पर 50-60 आदमी सिग्नेचर भी है। ठीक है, ऐसा मोहर के साथ है मुखिया जी राजेंद्र ठाकुर, उप मुखिया, सरपंच साहब, सबका सिग्नेचर मोहर के साथ है मेरे पास। ठीक है, और पूरे समाज मेरे साथ है एकदम, और मैं नसीब लाल दास ही मेरा नाम पड़ता है, वार्ड नंबर 9 में घर पड़ता है मेरा। ये पोखरी मथी मंदिर का पड़ता है। हाँ ये पोखरी भी सरकारी है। हाँ मंदिर का है, और मकान तकान भी बना लिए हैं बाबा को देखते हैं, चारों तरफ से कैद कर चुके हैं। ये बहुत सरासर गलत हो रहा है दोस्तों, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको लाइक के साथ साथ शेयर कीजिए, उसके साथ आवाज़ उठाइए। अरे बाबा के नाम से है, बाबा पंचानाथ का शिवोत्तर के नाम और बड़मत्तर के नाम से है। जिस तरह से ये मंदिर है भव्य एकदम दिख रहे हैं, खूबसूरत लग रहा है, यहाँ का खूब खूबसूरती पे एक दाग की धब्बा लग रहा है, जैसे ये बाबा पंचानाथ की मंदिर है। ठीक, वो किसी को नहीं बख्शेगा, जो आदमी क्रिया खाया उसका तुरंत प्रमाण मिलता है, वहाँ झूठ बोलेगा बाबा के नाम से तो।